नमस्कार दोस्तों, एमएलएम मत करना, नहीं तो जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। लॉकडाउन के इस पीरियड के अंदर हो सकता है बहुत सारे आपके रिलेटिव्स, आपके जानकार लोग, आपके पास कुछ पर्संस एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जिसे डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहा जाता है, वो आपके पास इस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हो। मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, आपको कुछ चीज़ों से सेफ रखना चाहता हूँ, मैं आपको वो अवेयरनेस देना चाहता हूँ, वो नॉलेज देना चाहता हूँ और कुछ लॉसेस से बचाना चाहता हूँ, ताकि आप अगर इस पूरी वीडियो को देखें और आपके जानकार में अगर कुछ लोग हों जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हों या करने जा रहे हों या करना चाहते हों या कर सकते हों, अगर किसी के पास वो रिलेटिव्स ये लोग लेकर आएँ, तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा और उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। ये MLM क्यों मत करना, नंबर वन पॉइंट मैं आपको कुछ डिस्कस कर रहा हूं कि आप अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस MLM के अंदर अपना पैसा कमाने के चक्कर में लोगों का पैसा लगाने आ रहे हैं, तो सर मैं अभी से ही वार्निंग दे रहा हूं, आप उस चक्कर में मत पड़ना, आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, आप MLM मत करना अगर सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में आ रहे हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को एक अच्छा रोजगार देकर उनको अच्छा पैसा कमाना सिखाते हैं और वो उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर आप यहां पर ब्लेसिंग्स कमाने के चक्कर में आ रहे हैं तो ही आना, पैसा तो अल्टीमेट आता है, आप MLM में सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में मत आना, मत करना MLM अगर सिर्फ पैसा कमाना है तो। उसके अलावा मैं आपको एक दूसरा पॉइंट इसमें बताता हूं कि जैसे जॉब के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, आप एक अर्निंग कमा रहे हैं, आप 20,000 कमा रहे हैं, आप 30,000 कमा रहे हैं, हो सकता है आपको काफी लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, आप 50,000 लाख रुपया भी कमा रहे हैं, लेकिन मैं एक एस्टिमेट ले लेता हूं कि आप 20,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक जॉब में ड्यूटी दे रहे हैं। अब क्या आपको लगता है कि एक महीना अभी न्यू जॉब लगी है, नेक्स्ट मंथ ही आपको वो 20,000 से ग्रोथ हो जाएगी? क्या आपको 25,000 मिलने लगेगा? क्या आपको लगता है कि एक महीना नहीं 6 महीने में मिलने लगेगा? क्या आपको लगता है कि 1 साल बाद मिलने लगेगा? वो देखिए ग्रोथ कितने टाइम बाद होती है आपकी जॉब में। क्या वो आपको 5, 10, 15 साल बाद 20,000 से मुश्किल से 5, 10, 15 साल लगाने के बाद 50,000 तक पहुंच रहे हैं? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है बहुत सारे लोग जो 6 महीने साल के अंदर वो कई कई लाखों को क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिक्स सैलरी नहीं है। अगर आप फिक्स सैलरी के चक्कर में आ रहे हैं तो सर MLM मत करिएगा, राइट? तीसरी चीज मैं एक और इसमें डिस्कस करूंगा आपको कि अगर आप ब्रेड आपके पास है, ब्रेड का मतलब खाने वाले ब्रेड, लेकिन ब्रेड का मतलब मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं, नीड की बात कर रहा हूं, कि अगर आपकी नीड अपनी जॉब से पूरी हो रही है और आप उस नीड तक ही सीमित रहना चाहते हैं, आपको बटर की इच्छा नहीं है, आप अगर अपनी ड्रीम्स की इच्छा नहीं है, सिर्फ नीड्स को ही पूरा करना चाहते हैं, तो आप जॉब करिएगा, आप MLM मत करिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ बटर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ब्रेड ही चाहिए, आपको नीड चाहिए जो आवश्यकता पूरी हो रही है और उसी में ही खुश हैं। लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट साथ साथ बताऊंगा कि MLM इंडस्ट्री को आप अपनी जॉब या बिजनेस के साथ साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, लेकिन आप MLM मत करिएगा। क्यों? क्योंकि MLM के अंदर आप जब सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देते हुए 6 से लेकर 7 बजे तक जॉब करते हुए, अगर आप जॉब कर रहे हैं 6 से 7 बजे तक जॉब करने के बाद घर वापिस आ रहे हैं, तो आपको अगर MLM से अच्छा खासा पैसा कमाना है, ड्रीम्स पूरा करने का आपके मन में आ जाता है, तो आपको समय तो देना पड़ेगा। आप डेली का हो सकता है आधा घंटा निकालें या 10 मिनट निकालें या 1 घंटा निकालें या सिर्फ संडे निकाल कर भी इसमें लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप क्यों निकालें? आप आराम से सुबह से शाम तक काम करके घर में आ रहे हैं, आपको बहुत सारी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ गॉसिप्स करनी है ना, अपने दोस्तों से मिलने जाना है, अपने परिवार के साथ टाइम बिताना है, सीरियल्स देखने हैं, मूवीज देखनी है, वो सारा टाइम हमें इसी तरीके से यूटिलाइज करना है आपकी नज़र में, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको सिर्फ वहां से नीड्स भी पूरी हो रही हैं और इसी तरीके से ही मुझे घर बैठ के यूटिलाइज करना है, ना कि
नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा समय लगा के अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो आपको MLM करने की जरूरत नहीं है। आप वही कीजिए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आप जो कर रहे हैं आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है, राइट। तो आप MLM मत कीजिएगा। और इसी के अंदर मैं आपको कुछ चीजें और डिस्कस करता हूं कि यहां पर टाइम की बाउंडेशन के बारे में, अगर आपको लगता है कि मैं टाइम बाउंड होकर काम करना चाहता हूं तो आप MLM मत करिएगा। क्योंकि आपको अगर लगता है कि मैं एक जगह जॉब में सुबह से लेकर शाम तक मेरा टाइम फिक्स है, मैं उसी के अंदर ही बैठकर आराम से काम करता हूं, मेरी एक जगह फिक्स है, मैं उसी जगह पर जाता हूं ऑफिस में या मेरा मार्केटिंग का जॉब है, मैं वही काम करता हूं, वही गिनती के दो चार लोग एक रूम में बैठे हैं, मैं उसी जगह पर वर्क करता हूं, उन्हीं से मिलता हूं, वहीं से मेरी जिंदगी पूरी निकल गई और उन्हीं से ही सीखता हूं, उन्हीं से ही बात करता हूं, इसके अलावा मुझे दुनिया से कहीं कुछ एक्स्ट्रा स्किल को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक रिलेशन दायरा आपका बहुत सारे लोगों तक बढ़ जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी कहीं भी जब आपका मन करे तभी आप करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी स्पेस की बाउंडेशन नहीं है, लेकिन आप तो बाउंड होकर रहना चाहते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करिएगा। आपका इंटरेस्ट नहीं है लर्निंग को लेकर, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कुछ मुझे सीखना है अब, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, राइट। बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप इस लाइन को लिख लीजिए, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी और आने वाली जनरेशन को भी आप ये बताइए, सीखना बंद तो जीतना बंद। लेकिन हमारी हैबिट क्या, हम इस एज तक पहुंच गए या किसी भी एज तक पहुंच गए या आप बच्चे भी हैं, कई बार ऐसा लगता है क्या जरूरत है सीखने की, आज हम अगर 20,000 कमा रहे हैं या जितना भी कमा रहे हैं सफिशियंट है, क्योंकि आपकी जॉब में आपके प्रोफेशन में आपको ग्रो कराने के लिए सिखाने वाला कोई भी नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके सभी लोग सीनियर सब लोग आपको, आपके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप कर जाते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको कामयाब करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन आपकी सीखने की तो हैबिट है ही नहीं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिएगा, राइट। और मैं आपको बताऊं, अगर आप आज का प्रेजेंट देखते हैं सिर्फ, अगर आप देखते हैं कि मैं आज का प्रेजेंट ही करना चाहता हूं, प्रेजेंट ही बस अपना सिक्योर करना चाहता हूं, जैसे तैसे करके मेरा आज का गुजारा चल रहा है, मैं अपने या अपनी फैमिली के या अपने बच्चों के फ्यूचर की तरफ नहीं देखना चाहता, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपके बच्चों की ग्रोथ का, आपके ड्रीम्स का, किसी चीज का कोई अगर महत्व नहीं है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिएगा। और अगर आपकी मेंटेलिटी यही सी चीज की है कि मुझे कुछ गुजारा करना है, अगर आपकी मेंटेलिटी सिर्फ इसी चीज की है कि मुझे एडजस्ट करने की लाइफ को ही जीना है, मुझे सक्सेस की तरफ नहीं सोचना है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिएगा, राइट। और मैं एक और बात बताऊं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलते हैं कि आप सिर्फ ज्वाइनिंग लगा दीजिए, आप सिर्फ पैसा लगा दीजिए, बस फिर आप देखिए आपके सब सपने पूरे हो जाएंगे। सर, आप नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिएगा, मत ज्वाइनिंग कीजिएगा, मत इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो करता है वो फ्रॉड होता है। और आपके बगैर, आप अगर अपने किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर जंग जीतना चाहते हैं तो आपको कोई भी जिता नहीं सकता। जब आपके अंदर स्किल आ जाती है, जब आपके अंदर योग्यता आ जाती है और आप अपनी जंग खुद जीतने के लिए तैयार होते हैं, तभी आप जीत पाते हैं। इसलिए सिर्फ ज्वाइनिंग के चक्कर में या आपके कुछ पर्संस कह रहे हैं आपको कामयाब कर देंगे, सर नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ये पर्सन आ जाए तो बस मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, मैं MLM के अंदर सक्सेस हो जाऊंगा, सर MLM मत कीजिएगा। MLM अगर आप उसी एक पर्सन के सहारे, आपको लगता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेस हासिल कर लेंगे, तो इस सोच के साथ MLM मत कीजिएगा, राइट। और मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे हम कई बार ऐसा लगता है कि हम अगर बहुत सारे टेंशन्स लेकर चलते हैं, जैसे जॉब की बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, अगर आपको लगता है कि आप जॉब की टेंशन ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस की सिरदर्दी ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस के लॉसेस को सहन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आप बिजनेस के कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, अगर आप लगता है कि आप मंथली एक्सपेंडिचर जो बिजनेसेस में आते हैं वो सब आप बियर कर सकते हैं, तो आप MLM मत कीजिएगा।
अगर आपको लगता है कि आप जॉब के अंदर अपनी बॉस की डांट सुन सकते हैं, अगर आपको लगता है कि जॉब में कुछ चापलूस कुलीग्स होते हैं, कुछ उनकी चालाकियां होती हैं और उनको आप मात दे सकते हैं, तो फिर एमएलएम मत कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप सपनों को मार कर एडजस्ट करते करते अपनी जिंदगी में एडजस्ट करना ही सीखकर अपने बच्चों को भी एडजस्ट करना सिखाना चाहते हैं, तो एमएलएम मत कीजिएगा, क्योंकि जो आप करेंगे वो आपके बच्चे भी आपको देखकर वही कुछ सीख रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहां से बच्चों का भविष्य बन सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग अपने बच्चों का कैरियर इसमें देख रहे हैं, क्योंकि लीगल इंडस्ट्री हो चुकी है और आने वाले समय में आज बहुत सारे लोग इसको बहुत बड़ी इंडस्ट्री घोषित कर चुके हैं। आज मैं ही नहीं, पूरे गवर्नमेंट इस चीज के अंदर बहुत सारे डाटास लेकर आ चुकी है कि ये बहुत बड़े लेवल की इंडस्ट्री दिख चुकी है। आज लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मैं आपको बताऊं, हर चौथे पर्सन जो है, लगभग पूरे देश का हर चौथा पर्सन जो है इस टाइम बेरोजगार हो चुका है। ये डाटास गवर्नमेंट डाटास, ये आप वेबसाइट में ऐसे नहीं बता रहा, आपको एक वेबसाइट भी मिलेगी, आप कमेंट में लिखिएगा, आपको उस वेबसाइट की डिटेल्स भी दी जाएगी कि देखिएगा कि उस वेबसाइट पे डिटेल दी गई है कि उस संस्था की तरफ से बताया गया कि हर चौथा पर्सन जो है बेरोजगार हो रहा है। तो ये आज सबसे बड़ी नीड है। लेकिन अगर हमें लगता है कि मुझे कैसे भी करके जॉब मिल जाए, आपको लोगों को रोजगार देने की मन में इच्छा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी वजह से लोगों को रोजगार जाए, आपको सिर्फ अगर अपने जॉब की पड़ी है तो आप एमएलएम मत कीजिएगा। क्योंकि यहां पर अगर आपको इतना ही सिर्फ मन में एक इच्छा है कि मैं अपनी कैसे तैसे चला लूं जिंदगी, अगर आपको अपने आपको प्रूव करने का नहीं है, अगर आपको लगता है आपको अपने देश के लिए, आप अगर आपको लगता है अपने समाज के लिए, अगर आपको लगता है इस टाइम जो अर्थव्यवस्था चिरमिराई हुई है उसका आप भी कुछ हल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी पड़ी है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं कि इस देश ने हमारे लिए क्या किया, हम तो बाहर विदेशों में जाएंगे, हम बाहर आउट ऑफ कंट्री में जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में लोगों ने, कंट्रीज ने आपको क्या दिया? इसके दूसरे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप ये तो देख रहे हैं मेरे को, मेरे लिए देश ने क्या किया, मेरे को ये पक्ष या विपक्ष उनकी तरफ से मुझे क्या मिला। सर, सबसे पहले ये देखिए आपने देश के लिए क्या किया। क्या आप कुछ ऐसा रोजगार की व्यवस्था इस देश के लिए कर सकते हैं, तो वो एक इंडस्ट्री बहुत तेजी से उभर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लेकिन हमें अगर अपनी ही पड़ी है तो सर एमएलएम मत कीजिएगा। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये वीडियो बहुत सारे लोग आगे सिर्फ अपने बच्चों को, अपने टीम में अपने लोगों को, नए लोगों को बताकर शेयर करके, पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग इसके अंदर उनके साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।